हाय देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक परफेक्ट ब्रश सेट शेयर करने वाली हूँ। फेस्टिव सीजन चल रहा है, मेकअप तो आपको करना होगा लेकिन ब्रशेस भी चाहिए होंगे, है ना। और हमें ऐसे ब्रशेस चाहिए जो अफोर्डेबल हो, ज्यादा जरूरत ना हो, बहुत सारे ब्रशेस इकट्ठे करने की जरूरत ना हो, थोड़े में ही हमारा पूरा मेकअप कम्प्लीट हो जाए। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट दिस आउटफिट एंड दिस मेकअप। ये जो आउटफिट है ना, मैंने अमेजोन से लिया है। डोंट वरी, आपके लिए ना एक अमेजोन दिवाली आउटफिट हॉल आने वाला है, उसमें मैं आपको आउटफिट दिखा दूंगी। एंड जो ये लुक आपको दिख रहा है ना, ये मैंने आई शेडो लुक किस तरीके से क्रिएट किया है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। एंड दीज इयर रिंग्स आर फ्रॉम ऑर्नामेंटल्स बाय अनमोल। इसका भी मैंने एक वीडियो कम्प्लीट शूट किया, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो मैं जो आपके साथ आज मेकअप ब्रश सेट शेयर करने वाली हूँ ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज फ्रॉम अर्बन मैक रियल टेक्निक्स मेकअप ब्रश सेट। इसमें आपको फेस ब्रशेस मिल जाते हैं, आई ब्रशेस मिल जाते हैं एंड चीक के लिए भी ब्रशेस मिल जाते हैं। सो बेसिकली ना, यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस मेकअप स्पंज एंड इन टोटल 4 ब्रशेस। सो पहले हम बात करते हैं इस मेकअप स्पंज की। ये ना इस तरीके का आपको मेकअप वो मिल जाता है, एक साइड पे फ्लैट है एंड एक साइड पे इस तरीके का टेयर ड्रॉप है। ये वाला जो फ्लैट सर्फेस है ना, ये एक्चुअली आपको आपका फाउंडेशन ब्लेंड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लिटरली दिस इज गुड, आप इससे बहुत ही इजीली अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। एंड जिसका दूसरा टीयर ड्रॉप साइड है, उसकी हेल्प से आप अपने सेट कर सकते हो, लूज पाउडर लगा सकते हो या जो भी आपको काम करना है कर सकते हो। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन बेकिंग योर फेस, अगर आपको बेकिंग करनी हो ना उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लाइक लिटरली अभी छोटू लग रहा है, आप जब इसको सोक करते हो ना एक्चुअली बड़ा हो जाता है एंड इट ब्लेंड योर बेस सो नाइसली। मेरे फेस पे एक्चुअली आज मैंने ये यूज किया था ब्लेंड करने के लिए एंड आई टोटली लव्ड इट। अगर आप अपना बेस कर रहे हो, आपको फाउंडेशन करना है, कंसीलर करना है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। अपने फेस को बेकिंग करने के लिए भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है ये फ्लफी मोटू सा ब्रश, ये है RT400, ये इसका नेम है। यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे तो इसका लिखा है ब्लश ब्रश की है, आपको ब्लश लगाने में हेल्प करेगा। आप इसको देख सकते हो, बहुत ही फ्लफी सा एंड यार ये इतना सॉफ्ट है, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना सॉफ्ट आएगा। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस ब्रश को अपना फेस पूरा इस तरीके से सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बेकिंग करनी है तो उसके लिए आपका ब्लेंडर काम आ जाएगा। अगर आपको ब्लश लगाना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत इजीली आप इससे अपना ब्लश लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ब्लश लगाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इससे आप लिटरली अपना ब्लश लगा सकते हो एंड अपने फेस को भी सेट कर सकते हो। यूजुअली मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अपना ब्लश और अपना फेस को सेट करने वाला ब्रश ना आपको अलग रखना चाहिए, क्योंकि जिससे आपने फेस सेट किया अगर आप उसी से ब्लश लगा लोगे ना, तो जब आप अगली बार फेस सेट करोगे ना, आपका पूरा फेस पिंक पिंक लगने लग जाएगा। तो आई विल रेकमेंड आपको जो बेकिंग करनी है और अपना कॉम्पैक्ट लगाना है, वो आप उस वाले स्पंज से कर सकते हो। एंड चाहो तो इससे कर सकते हो, नो इशू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कि वाइप कर दिया करो बस यूज करने के बाद, आप दोनों काम इससे कर सकते हो एंड देन आप इससे अपना ब्लश भी लगा सकते हो। वेरी वेरी सॉफ्ट एंड लिटरली बिगिनर के लिए भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देन आपको मिलता है दूसरा ब्रश, विच इज RT200 एंड इट सेज एक्सपर्ट फेस ब्रश। एक्सपर्ट फेस ब्रश इसको क्यों कहते हैं, आप लिटरली इसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। इस तरीके का ब्रश आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा डेंस है, ठीक है। आप चाहो तो आप इससे अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप इससे अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, अपने क्रीम कॉन्टोरिंग कर सकती है, कर रखी है, उस तरीके से आप अपने क्रीम कॉन्टोर को इससे ब्लेंड कर सकते हो। आप इससे अपनी नोज को इस तरीके से कॉन्टोर और ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको अपने फेस को सेट करना है, टच अप करना है, फॉर एग्जांपल कहीं से आपको फेस बहुत ज्यादा ऑयली लग रहा है, तो आप अपना कॉम्पैक्ट लेके इस तरीके से अपने फेस को सेट कर सकते हो। तो लिटरली दिस इज अ मल्टीपर्पज ब्रश, आप कंसीलर ब्लेंड करो, फाउंडेशन ब्लेंड करो, या फिर आप अपने फेस को सेट कर लो इससे, कॉन्टोरिंग कर लो। अगर आपको ब्लश क्रीम ब्लश अप्लाई करना है ना, तो भी आप इस तरीके से अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो बेसिकली इसको एक्सपर्ट ब्रश आई थिंक इसीलिए बोला गया, बिकॉज आप इससे लिटरली बहुत सारे काम कर सकते हो। देन आपको मिलता है ये वाला ब्रश, दिस इज नॉट एन आई ब्रश, इट सेज RT400 2, ये है सेटिंग ब्रश। सेटिंग ब्रश एज इन क्या होता है ना, हमें अपनी अंडर आई सेट करनी होती है, तो हम इस तरीके से ब्रश की हेल्प से सेट कर सकते हैं। यू गाइस कैन टेक अ लुक, यार ये लैशेस कितने सुंदर लग रहे हैं, सॉरी लेंसेज। इसके भी मैं वीडियो का ना लिंक आपको नीचे दे दूंगी, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा शेड है। दिस इज टिप्सी ग्रीन, ब्यूटीफुल कलर। इस तरीके से ना आप सेट कर सकते हो अपनी अंडर आईज को, नोज के कॉर्नर्स को, अराउंड द माउथ, इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो ना, जरूरी नहीं है, आप इससे अपने क्रीज कलर भी ब्लेंड कर सकते हो, अपनी नोज कॉन्टोरिंग कर सकते हो, अगेन इससे भी आप मल्टीपर्पज काम कर सकते हो। एंड जो यहाँ आपको फोर्थ ब्रश मिलता है वो है ये, दिस इज RT500, इट सेज डिलक्स क्रीज ब्रश। बेसिकली इट्स अ क्रीज ब्रश, बट आप इससे मल्टीपर्पज काम कर सकते हो। आई के लिए हम इसको यूज करेंगे, फर्स्ट अपना आप इस तरीके से अपनी क्रीज ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। क्रीज लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगा सकते हो एंड एट द सेम टाइम अगर आपको अपनी
आईलेट पर कुछ लगाना है वो भी आप इससे लगा सकते हो। ये अगेन आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, आपका आई शेडो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने आईज पे क्या लगा रखा, दिस इज द NYBA के लिक्विड आई शेडो। मेरा इसमें शेड है ब्लू सफायर, मैंने वो अपनी पूरी की पूरी आईलेट पे अप्लाई कर रखा है। बट ये मैंने किस तरीके से लगाया एंड किस तरीके से ब्लेंड किया उसका शॉर्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यार गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।